हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी जो है शाम का टाइम हो गया है, 5:45 बज रहा है और मैं अपनी कुर्ती बनाने के लिए यहाँ बैठ गई हूँ। मैं अपनी कुर्ती की सिलाई करूँगी, तो आज जो है मैं अपनी कुर्ती बनाऊँगी। देखते हैं बन पाती है या नहीं बन पाती, लेकिन मैं इसे बनाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि अभी जो है टाइम तो नहीं मिल पा रहा है। पूरा दिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो बस आज जो है बच्चों के एनुअल फंक्शन भी आने वाले हैं, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। हिया का सोलो डांस में सिलेक्शन हो गया है और यूवी ने भी सोलो डांस में भाग लिया है, तो उन दोनों को डांस की प्रैक्टिस भी करवाना पड़ती है। हालांकि वह कर लेते हैं, उन्हें बस देखना होता है, लेकिन यूवी को तो करवाना होता है। और यूवी ने जो है फैंसी ड्रेस में भी भाग लिया है, तो उनके लिए फैंसी ड्रेस भी हम घर पे ही कुछ बनाएंगे। अभी मैं इसे बनाना, 6 बज गई और टाइम हो जाएगा, फिर मुझे खाना वगैरह भी बनाना है अभी, तो शाम की आरती वगैरह भी करनी होती है। तो आधे घंटा है अभी मेरे पास, जैसे 5:45 बजा है, 1/4 घंटा है, 6:30 बजे तक जितनी बन जाएगी उतनी मैं बना लूंगी। बाकी का फिर देखते हैं, या तो खाना वगैरह बनाने के बाद टाइम मिला या नींद नहीं आई तो बना लूंगी, नहीं तो फिर मैं कल बनाऊंगी। तो चलिए मैं बनाने स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं कुर्ती का नेक बनाऊंगी, और नेक पर जो है इसके फ्रंट पार्ट्स पर इस तरीके से डिज़ाइन दी हुई है जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसके कंगूरे हटा दूंगी और फिर उस पर सिलाई लगा दूंगी। यह देखिए अब ये इस तरीके से लग रहा है। तो अभी जो है मैंने कुर्ती का नेक बना लिया है, बस यहाँ पर जो है मुझे तुरपाई करनी है, तो वो तुरपाई तो मैं बाद में करूँगी। और शोल्डर भी मैंने अटैच कर दिए इस तरीके से। इस तरीके से करने से अच्छा रहता है, जो कंधे पर ये कपड़ा और ये सिलाई हमें कुछ नहीं दिखती है। तो कुर्ती जो है मेरी, मतलब कुर्ती का जो है गला मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो है मैं इसकी आस्तीन अटैच करूँगी, तो आस्तीन के लिए जो है पहले मैं यहाँ की सिलाई लगा ली। तो अभी जो है ना 7 बजे, और देखिए मैंने अपनी कुर्ती कंप्लीट कर ली। बस मुझे है ना इसकी शार्क बनानी है यहाँ, बाकी का मैंने आस्तीन भी अटैच कर दी है और इसकी फिटिंग भी कर दी है। अभी जो है नेक्स्ट डे हो चुका है, और यहाँ देखिए जो हमने आंवले को पूरी तरीके से चीनी से कवर करा था, तो चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है और आंवलों ने जो है चाशनी को अच्छी तरह से सोक कर लिया है। तो बस अब जो है हम आंवले को इस चीनी वाले पानी में से निकाल कर अलग कर लेंगे। हमने जो है आंवले को 2 दिन के लिए चीनी से कवर करके रखा था, और इसे जो है हमने 1 दिन बाद एक बार मिक्स किया था, बस इसके अलावा हमने इसे कुछ भी नहीं किया है। और 2 दिन कंप्लीट होने के बाद अब हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे, और यह जो चीनी वाला पानी बचा है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम गैस पर पकाकर इसकी चाशनी बना लेंगे, और इसे हम चाशनी के रूप में या फिर एक हनी के रूप में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो है आंवलों को 2 दिन के लिए अच्छे से धूप में सुखा लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने कुर्ती बनाकर तैयार कर ली है, जो कि मैंने रात को इनकम्प्लीट छोड़ दी थी, बस मुझे इसके चाक बनाना रह गए थे, तो वह मैंने अभी बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। और बस यहाँ जो है मुझे हल्की सी कमर में से लूज़ है, तो मैं उसे फिटिंग कर लूँगी। जो है मैं इस कुर्ती को फिटिंग की सिलाई लगाकर प्रेस करके और कल या परसों में फिर मैं इसे पहनूंगी। और इसी के साथ जो है मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, यदि आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।